नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चले में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर पे कैसे लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे आप फाइल मैनेजर पे लॉक लगा के नहीं रखते हैं तो कोई भी आपका जैसे मोबाइल ले लेता है, आपको वहाँ देखिए फोटो वीडियो जो भी सॉन्ग वगैरह कुछ भी है वो सब कुछ वहाँ पे देख सकता है। जैसे आप चाहते हैं बिना मेरी मर्जी के मेरी कोई फाइल मैनेजर ओपन न कर सके तो वीडियो को देखते रहिए, मैं स्टेप बाई स्टेप सही प्रोसेस बताऊँगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं देखिए फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूं, यहां फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूं। दोस्तों यहां देखिए फाइल मैनेजर ओपन हो गया है। यहां देखिए इसी तरह आपका भी देखिए कोई मोबाइल ले लेता है तो फाइल मैनेजर ओपन कर सकता है। दोस्तों जैसे आप यहां पे लॉक लगाना चाहते हैं कैसे लॉक लगा सकते हैं चलिए बता देता हूं। दोस्तों जैसे यहां लॉक लगा के नहीं रखते हैं कोई भी देखिए ऐसे ओपन कर लेगा आपको देखिए पिक्चर वीडियो म्यूजिक डॉक्यूमेंट देखिए APK फाइल जीप यहाँ पे देखिए सभी कुछ आपके मोबाइल का यहाँ से देख सकता है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लॉक लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऊपर देखिए 3 डॉट शो करा यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए PC कंट्रोल रिसाइकल बिन सेटिंग्स यहाँ सेटिंग्स वाले पे क्लिक करते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ देखिए रिसेंट फाइल रिसाइकल बिन ये फंक्शन करा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको देखिए फाइल मैनेजर लॉक करने का फंक्शन नहीं करा। दोस्तों जैसे आप लॉक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं चलिए बता देता हूँ। यहाँ से बैक आ जाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है यह कैसे, आपको इतना यहाँ पे सर्च कर लेना है। फिर जो फर्स्ट में साइट शो करी यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ यहाँ देखिए 3 लाइन शो करा मेनू सर्च कौन सो रहा, हमें यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हमें सर्च करना है ऐप लॉक, इतना आपको यहाँ पे सर्च कर देना है और यहाँ देखिए जो फर्स्ट में रिजल्ट शो करा यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों फिर आप इसे देखिए रीड भी कर सकते हैं कैसे कैसे यूज करना है, आप रीड कर लेंगे तो और अच्छे से यूज कर पाएंगे और इसको आपको रीड करते जाना है और इसको लगा के नीचे आना है। दोस्तों जैसे आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड कौन सा करा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है चलिए बता देता हूँ। जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ देखिए पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है, फिर कन्फर्म ड्रॉ कर लेना है। देखिए सेटअप कंप्लीट हो गया है, यहाँ एग्री एंड स्टार्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सुख रहा प्राइवेसी प्रोटेक्ट और यहाँ देखिए एडवांस और यहाँ स्विच लॉक जनरल। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल की सभी एप्लीकेशन शो कर रही हैं। दोस्तों जैसे हमें फाइल मैनेजर को लॉक करना है तो स्क्रॉल करके नीचे आना है, फाइल मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आना है और यहाँ पे देखिए उत्सुक रहा फाइल मैनेजर इसके साइड में देखिए लॉक का उत्सुक रहा यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ देखिए जो परमिशन मांग रहा है सब परमिशन का अलाउ कर देना है यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइल मैनेजर देखिए लॉक हो गए हैं, लॉक का उत्सुक रहा यहाँ से बैक आ जाते हैं। फिर फाइल मैनेजर पर चलते हैं, यहाँ देखिए फाइल मैनेजर पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइल मैनेजर ओपन नहीं हो रहा, जब यहाँ देखिए पैटर्न को ड्रॉ करूँगा तभी ओपन होगा। दोस्तों इसी तरह आप लोग भी अपने फाइल मैनेजर पर लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे बाद में आप इसे हटाना चाहते हैं लॉक को कैसे हटा सकते हैं चलिए वो भी बता देता हूँ। चलिए एप्लीकेशन पर चलते हैं। दोस्तों जैसे बाद में आपको फाइल मैनेजर को अनलॉक करना है तो यहाँ लॉक वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ देखिए अनलॉक हो गया है, यहाँ प्रोटेक्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए सिक्योरिटी अनलॉक सेटिंग सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट, दोस्तों यहाँ पे ये सभी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप लोग भी अपने देखिए फाइल मैनेजर पे लॉक लगा भी सकते हैं और इसी तरह बहुत आसानी से लॉक को हटा भी सकते हैं। दोस्तों यह मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।